एचआरटीसी धर्मशाला ने 2019 में 49 करोड़ 40 लाख रुपए की आय अर्जित की है, जबकि वर्ष 2018 में ये आय 48 करोड़ 20 लाख रुपए थी। यानी गत वर्ष निगम के धर्मशाला डिपो के राजस्व में 1 करोड़ 25 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पहले तो मैंने हर वर्ष की भांति अपने जो जितने एचआरटीसी के जो कम्यूटर्स हैं जो हमारी बसों में सफ़र करते हैं उन्हें मैं नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, और हर वर्ष की भांति भी धर्मशाला डिपो ने इस साल टोटल जो है 1 करोड़ 21 लाख किलोमीटर कवरेज की है, और टोटल जो इस बार 2019 में धर्मशाला डिपो की आय रही है वो रही है 49 करोड़ 46 लाख, जो कि पिछले साल हमारी जो आय थी वो थी 48 करोड़ 20 लाख रुपया। तो टोटल हमारी डिपो की आय 1 करोड़ 25 लाख रुपया इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ी है, जो कि टोटल पिछले साल की औसत से 4.26% ज़्यादा है। और अगर हम पर किलोमीटर के बारे में बात करें तो वो 40 रुपया 62 पैसे है, और पिछले साल जो हमारी EPKM थी वो थी 38 रुपये 96 पैसे। तो हमारी टोटल आय में भी बढ़ोतरी हुई है और आय पर किलोमीटर में भी बढ़ोतरी हुई है। और टोटल हमने पिछले साल 7 नए रूट जो थे वो चलाए थे, वो जो हमारे पास जो ओवरलोडिंग के इश्यूज आए थे और कुछ हमारे को नई गाड़ियों के इश्यू आए थे, उसके उपलक्ष्य में हमने 7 नए रूट जो है लोकल टेरिटरी में हमने और ऐड किए थे। और पिछले साल हमने जो लोगों का हमारी HRTC के प्रति स्पेशल बसेस की तरफ भी रुझान बढ़ाया, क्योंकि हम हर जो व्यक्ति हमारे से स्पेशल बुकिंग करा रहा है उसे 10% की छूट दे रहे हैं, और इस साल हमने 25 लाख रुपए जो है स्पेशल बसेस से आय अर्जित की है। और साथ ही जो हमने एक स्कीम शुरू की है जिसके तहत हमारा 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक जो लोग स्मार्ट कार बना रहे हैं उनके हम 10% की छूट हमारी जो लग्जरी सेगमेंट है डीलक्स गाड़ियाँ हैं AC है वॉल्वो है उनमें भी दे रहे हैं, और साथ ही जो स्पेशल बसें हमारी बुक करा रहे हैं और उनको एक तरफा सफ़र करना होता है तो अब उन्हें डबल पैसे नहीं देने पड़ेंगे और अब एक तरफा ही उन्हें 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये सब सहूलत HRTC जो उनके यात्री है उन्हें दे रही है ताकि लोगों का HRTC के प्रति रुझान बढ़े, और जो HRTC दिन प्रतिदिन उन्हें अच्छी सुविधाएं दे रहा है उसी का परिणाम है कि 2019 में भी हमने 1 करोड़ 25 लाख रुपए की आय जो है पिछले साल के मुताबिक ज़्यादा अर्जित की है। और आगे भी मेरा सबसे आग्रह है कि HRTC की बसेज में सफ़र करें, और हम हर वक्त अपने यात्रियों की सुविधा के लिए 24 घंटे हम तैयार हैं ताकि उन्हें कोई असुविधा ना हो और उनका विश्वास और मनोबल जो है HRTC के प्रति बना रहे। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।